भी कानून है उनके ऊपर कोई सुनवाई नहीं है, कोर्ट संज्ञान नहीं ले रहे, ये आपके सामने है। सरकार को कोई इजाजत नहीं है कि वो सड़कों को उखाड़े, सड़कों को पाड़े, क्योंकि उसके लिए कानून है। अगर कोई दूसरा व्यक्ति सड़कें उखाड़ता है, सड़कें पाड़ता है, तो उसके ऊपर वो कानून लग जाता है। तो हम ये मानते हैं कि हरियाणा की जो मुख्यमंत्री है मनोहर लाल खट्टर, उसके ऊपर जो है ना इस कानून के ऊपर तहत जो कार्रवाई होनी चाहिए। हम आने वाले दिनों के अंदर कोर्ट के अंदर बकायदा केस करेंगे खट्टर के ऊपर कि उसने हरियाणा की सड़कें पाड़ करके हरियाणा के किसान को, पंजाब के किसान को, उसका जो लोकतांत्रिक अधिकार उसको इस संविधान ने दिया है, भारतीय संविधान ने दिया है, उसके अंदर रुकावट पैदा की करने की कोशिश की है। मैं राजविंदर सिंह चंदी, एडवोकेट, डिस्ट्रिक्ट कोर्ट कुरुक्षेत्र। हम ये समझते हैं कि ये जो तीन कानून आए हैं, ये तीनों काले कानून हैं, क्योंकि एक कानून ऐसा खतरनाक कानून है जो पूरे देश की जनता को प्रभावित करेगा। जैसे एसेंशियल कमोडिटी एक्ट है, वो अब जमाखोरी कानून बन गया है। उसमें अंबानी और अडानी को पूरी खुली छूट दे दिया कि वो अपने अनाज के जो भंडार है वो भर सकता है और खुली लूट कर सकता है जनता की। बाकी दो जो कानून हैं, वो दो कानून जो हैं वो किसान से उसकी ज़मीन छीन लेंगे, उसको उसी की ज़मीन पे बंधुआ मजदूर बना करके रख देंगे। और ये कानून जो है हमारे फेडरल स्ट्रक्चर के खिलाफ हैं, हमारा जो संघवादी ढांचा है उसके अनुसार ये जो है राज्य सूची का विषय है एग्रीकल्चर, जबकि केंद्र सरकार ने हमला करते हुए राज्य सूची के ऊपर इन कानूनों को अपने दायरे में लेकर के ट्रेड के नाम से कॉन्करेंट लिस्ट का जो एंट्री नंबर 33 है उसका सहारा लेकर के इसको जो है इंटर ट्रेड के नाम से पास किया है। ये बिल्कुल अंबानी और अडानी के लिए पास किया है, ना कि किसानों के लिए। मैं आपको इसका एक उदाहरण देना चाहूँगा कि एपीएमसी एक्ट बिहार के अंदर 2006 में ख़त्म हुआ था। आप देख लीजिए हरियाणा और पंजाब के अंदर जब धान और गेहूँ की खरीद जो है वो 1800-2000 रुपए पे होती है, एमएसपी पे होती है, और बिहार के अंदर आज की तारीख में जब हरियाणा के अंदर और पंजाब के अंदर जो धान की कीमत है वो 1800 कुछ रुपए मिली और बिहार के अंदर वही कीमत जो है 800 रुपए मिली है। ये हमारे सामने एक उदाहरण है कि जो नई मंडी, वो नई मंडी जो है एक ऐसी मंडी को ख़त्म करके है जो लोगों की मंडी है, जनता की मंडी है, किसानों की मंडी है, उस मंडी को ख़त्म करके अंबानी और अडानी के लिए एक मंडी लेकर के आना चाहते हैं। ये जो है एक हमला है, इस हमले में देश की पूरी जनता को किसानों के साथ खड़े होना चाहिए। छोटे छोटे मिडिल क्लास के लोग जो हैं, जितने भी अदारे हैं, उनको अपना सोचना चाहिए। आने वाले दिनों के अंदर ये जो हम चीज़ें खाते हैं, जब चक्की नहीं रहेगी तो आप इसके अनाज के आप दाम देखना, क्योंकि उनको खुली लूट करने की छूट दी गई है एसेंशियल कमोडिटी एक्ट के अंदर। अब वो जमाखोरी कानून बन चुका है, इसलिए ये आपसे निवेदन है कि इस बात को आगे से आगे लेकर के जाए, पहुँचाए। देखिए पंजाब और हरियाणा, यहाँ तक हमारी बार काउंसिल ऑफ इंडिया, उसने भी कॉल दी थी कि हम वकील जो हैं वो किसानों के साथ हैं। हमारी जो बार काउंसिल है पंजाब एंड हरियाणा, उसने भी कॉल दी। अभी आठ दिसंबर को जब पूरा भारत बंद था, हम लोगों ने, वकीलों ने कोर्टों में बंद किया और जगह जगह जा करके जो धरने थे किसानों के लिए उनमें संबोधन किया, कोर्ट में बताया, पूरे का पूरा वकील समुदाय, कोई भी शख्स ऐसा नहीं है जो ये कह सके कि ये कानून ठीक है। सभी ये कहते हैं कि ये काले कानून हैं और इन कानूनों को हर हालत में सरकार को वापस लेना चाहिए। सुप्रीम कोर्ट के ऊपर एक ऐसी इस समय एक दिक्कत आ रही है कि सुप्रीम कोर्ट जो है वो जो जनता पक्षी है, जो चीज़ें हैं उनकी सुनवाई में देरी कर रहा है। जैसे मैं उसके कुछ इंस्टांस देना चाहूँगा कि जैसे 370 खत्म हुई, अभी तक कोई सुनवाई नहीं। जो इलेक्ट्रल बॉन्ड के नाम से 2017 के अंदर जो वित्त विधेयक कह करके जिसको पास कर दिया गया, जिसके नाम से बीजेपी ने बहुत बड़ा धन इकट्ठा कर लिया है, उस धन को वो एमएलए और एमपी खरीदने पर प्रयोग करते हैं, 2017 के बाद उसके ऊपर कोई सुनवाई नहीं है। इसके अलावा CAA NRC के ऊपर कोई सुनवाई नहीं है। जो लोक पक्षीय, जो जितने भी कानून हैं उनके ऊपर कोई सुनवाई नहीं है, कोर्ट संज्ञान नहीं ले रहे, ये आपके सामने है। सरकार को कोई इजाजत नहीं है कि वो सड़कों को उखाड़े, सड़कों को पाड़े, क्योंकि उसके लिए कानून है। अगर कोई दूसरा व्यक्ति सड़कें उखाड़ता है, सड़कें पाड़ता है, तो उसके ऊपर वो कानून लग जाता है। तो हम ये मानते हैं कि हरियाणा की जो मुख्यमंत्री है मनोहर लाल खट्टर, उसके ऊपर जो है ना इस कानून के ऊपर तहत जो कार्रवाई होनी चाहिए। हम आने वाले दिनों के अंदर कोर्ट के अंदर बकायदा केस करेंगे
खट्टर के ऊपर कि उसने हरियाणा की सड़कें पार करके हरियाणा के किसान को, पंजाब के किसान को, उसका जो लोकतांत्रिक अधिकार उसको इस संविधान ने दिया है, भारतीय संविधान ने दिया है, उसके अंदर रुकावट पैदा की करने की कोशिश की है। वो तो उल्टे किसानों के ऊपर FIR करवा रहे हैं, तमाम लोगों के खिलाफ। हम जो है इसकी मांग करते हैं सरकार से कि उनको जो है देर सवेर उन सारी FIR को वापिस ले, अदरवाइज जितने भी किसानों के ऊपर जो केस बने हैं, हमने फैसला किया है, हमारी बार काउंसिल भी उसके साथ है, हमारी बार एसोसिएशन भी साथ है, हम सभी ने मिलजुल करके एक फैसला किया कि किसानों के केस जो है वो फ्री ऑफ कॉस्ट, इवन के वकालतनामे के ऊपर जो टिकट लगती है वो भी हम अपने पल्ले से लगाएंगे और पूरे का पूरा उनका जो है ना केस लड़ेंगे, सुप्रीम कोर्ट, हाई कोर्ट, जहां भी जाना पड़े उन FIR को क्वेश्चन कराने के लिए जाएंगे। 18 दिन हो चुका है, अभी तक सरकार की तरफ से जो बयानबाजी आ रही है वो सिर्फ डिवाइड करने की आ रही है, खालिस्तानी बताती है, कभी कुछ बताती है, लेकिन वो एक साजिश है कि ये जो सरकार जो है, जब हमारे देश के लोग संघर्ष कर रहे थे, शहीद आजम भगत सिंह जैसे लोग कुर्बानियां दे रहे थे, करतार सिंह सराभा जैसे लोग फांसी चढ़ रहे थे, उधम सिंह जैसे लोग जो है देश की आज़ादी के लिए सात समुंदर पार जा करके अपना काम कर रहे थे, उस टाइम पे इनके जो आका थे, वो हेडगवार हों, गोलवलकर हों, वो सावरकर हों, वो नथुराम गोडसे हों, वो सरकार की, उस समय की सरकार यानी कि अंग्रेज सरकार की गोद में बैठे थे, और आज भी ये जो हैं दो बिल्कुल क्लियर कट चीज़ें हैं आपके सामने। एक है भगत सिंह के वारिस, उधम सिंह के वारिस, वो जो है सड़कों पे बैठे हैं, और एक तरफ गौडसे और सावरकर के वारिस हैं, वो सत्ता के अंदर बैठे हैं, वो आज भी दलाली कर रहे हैं, वो उस समय उस कंपनी राज की दलाली कर रहे थे, आज वो अंबानी अडानी की कंपनी की दलाली कर रहे हैं। मोदी सरकार में जितने कानून बने, चाहे CNRC का मामला देख लीजिए, चाहे कुछ प्रदर्शन होता है, सड़कों पर लोग आते हैं, लोगों को दबाने की कोशिश होती है, लेकिन उन फैसलों को वापस नहीं लेते। देखिए क्या लग रहा है, CNRC का कानून जो है उसको समझने की जरूरत है। CNRC के माध्यम से उन्होंने एक ऐसी जो है ना पहाड़ पाने की कोशिश की है, जिसके माध्यम से वो जो है ऐसा समझते हैं कि हम जो है शायद जो है हिंदू और मुस्लिम के नाम से एक पहाड़ डाल करके, एक फूट डाल करके हम कामयाब होंगे, लेकिन कामयाब नहीं होंगे। क्यों? कि वो जो कानून जो है वो देश की बहुमत जनता के खिलाफ है, मजदूर के खिलाफ है, जिसके पास कोई ऐसा कार्ड नहीं है जिससे वो अपनी नागरिकता प्रूव कर सके, वो माइनॉरिटीज़ के खिलाफ है, क्योंकि माइनॉरिटीज़ को बड़े गलत तरीके से सताया जाएगा, उसमें मजदूर भी आता है, उसमें सिख भी आता है, उसमें मुस्लिम भी आता है। तो इसलिए जो लोग हैं, लोगों को अपने संघर्ष जारी रखने पड़ेंगे, अंबानी अडानी, लाला रामदेव, इन सब के जो जितने भी उत्पादन हैं उनका बहिष्कार करना पड़ेगा, और किसानी जो है ये एक बहुत बड़ी ताकत है, ये पंगा जो है अब गलत जगह पर ले लिया मोदी ने, असल में किसानी जो है एक बहुत बड़ी ताकत है, वो 70% है इस देश के अंदर, वो इसकी जड़ें हिला देगी। अभी MSP की बात जो है वो पूरा देश भी समझने लगा कि अगर हरियाणा और पंजाब को MSP मिल सकती है तो UP वाले को क्यों नहीं, बिहार वाले को क्यों नहीं, बंगाल वाले को क्यों नहीं, केरल वाले को क्यों नहीं, तो वो सभी जो हैं अब उस बात के ऊपर आएंगे, और ये संघर्ष जो है दिन रात, मतलब कहते हैं कि एक दिन रात ये चौगुनी उन्नति करेगा, ये तो इसने आगे ही आगे बढ़ना है, ये पीछे नहीं जा सकता, ये इतिहास बनाएगा, और इन अंग्रेजों के दलालों को गद्दी छोड़नी पड़ेगी, अंबानी अडानी के दलालों को गद्दी छोड़नी पड़ेगी। किसान एकता जिंदाबाद, 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 किसान एकता जिंदाबाद, जिंदाबाद। लगभग 11 लोग मर चुके हैं अब तक, और अभी तक सरकार कोई एक्शन नहीं ले रही ना, इस पे कोई बात कर रही है। देखिए जब संघर्ष होता है तो कुर्बानियां होती हैं, संघर्ष में कुर्बानियां देनी पड़ती हैं, चाहे वो हम आज़ादी का जो आंदोलन है उसका इतिहास पढ़ लें, बहुत लोगों ने कुर्बानियां दी, पंजाब तो उसमें, ये हमारा एरिया जो है यहाँ पर हम खड़े हैं ये भी पंजाब का हिस्सा था, महापंजाब हम कह लीजिए, उस हिस्से ने बहुत बड़ी कुर्बानियाँ दी हैं, तो कुर्बानियाँ तो चलेंगी, संघर्षों के अंदर कुर्बानियाँ, संघर्ष कुर्बानियाँ मांगता है, और ये कुर्बानियाँ ऐसे हम लोगों को देनी पड़ेगी, क्योंकि ऐसी सरकार है जिन्होंने अंग्रेजों के लिए काम किया और आज वो सत्ता में, तो कुर्बानियाँ तो हमें, हमने अंग्रेजों के खिलाफ दी, तो उनके पुत्र भी हमारे से कुर्बानियाँ तो लेंगे, हमारे को कुर्बानियाँ देनी पड़ेंगी। सुप्रीम कोर्ट से क्या एक्सपेक्ट करते हैं? सुप्रीम कोर्ट से मैं वकील होने के नाते एक आशा करता हूँ कि नंबर एक तो वो जो जनता जो है उसको समझे, क्योंकि जनता का ये आंदोलन है, जनता इसमें सड़कों पर है, और जनता जो है वो काफ़ी तकलीफ के अंदर है, उसको एक तो फेडरल स्ट्रक्चर के ऊपर जिस तरीके से हमला किया गया है सरकार के द्वारा, जो राज्य का विषय है उसको हथियाया गया है, तो सुप्रीम कोर्ट को वहाँ भी एक काम करना चाहिए वहाँ भी। दूसरा जो है, जो ह्यूमन राइट्स के जो राइट्स अधिकार हैं लोगों के, उसके ऊपर भी सुप्रीम कोर्ट को बात करनी चाहिए, बड़े प्रोस्पेक्टिव में जो हमारे कॉन्स्टिट्यूशन ने हमारे फंडामेंटल राइट्स दिए हैं उनको देखते हुए भी बात करनी चाहिए, उनके ऊपर भी जो है इस तरीके का, मतलब जो है सुप्रीम कोर्ट को आगे आना चाहिए कि वो देश की जनता को बचाता दिखे, जैसे
कि अभी देखते हैं कि आज ही जो यूएसए का सुप्रीम कोर्ट है, जो वहाँ का ट्रंप है, वहाँ का मोदी है, वो एक तरह से वहाँ ट्रंप मोदी है, यहाँ भारत में उस मोदी को हम ट्रंप कह सकते हैं, उसको जो है एक बड़ा झटका दिया है। उसने जो एक पिटीशन डाली थी वहाँ के जो इलेक्शन हुए थे उनको चैलेंज करते हुए, तो इसलिए हमारे सुप्रीम कोर्ट को भी कुछ बड़े फैसलों की तरफ, बड़े निर्णयों की तरफ जाना चाहिए। मीडिया का जो मेनस्ट्रीम मीडिया है वो इन खबरों को क्यों नहीं दिखा रही है? मीडिया इन खबरों को नहीं दिखाएगा क्योंकि वो मीडिया जो है कॉरपोरेट का मीडिया है, असल में कॉरपोरेट के हक में ये कानून है और कॉरपोरेट की ये सरकार है, इसलिए वो मीडिया जो है वो मीडिया नहीं रहा, उसको हम मीडिया ना कहें। मीडिया का एक पर्पज होता है, एक मकसद होता है कि वो जनता की आवाज़ बने, वो चौथा स्तंभ बने, वो वॉच डॉग का काम करें, लेकिन ये मीडिया जो है ये गोद में बैठा हुआ मीडिया है, ये गोदी मीडिया है, ये सत्ता की दलाली कर रहा है, इसलिए उस मीडिया से हमें कोई अपेक्षा नहीं है। हमें अपना मीडिया, खुद हमारी जुबान, हमारे मोबाइल, हमारा सोशल मीडिया, इसी के माध्यम से अपनी बात जो है लोगों के बीच में लेकर के जानी पड़ेगी। अंतिम सवाल है कि आप लोग अगला कदम क्या उठाने वाले हैं? 14 तारीख को एक प्रदर्शन भी देश भर में होगा और आप लोग अपनी तरफ से क्या उठाने वाले हैं? हम उस प्रदर्शन में जो भी किसान संगठन, किसान संघर्ष समिति जो निर्णय लेगी, जो हमें डायरेक्शन करेगी, उसी तरीके से हम जो है उस आंदोलन में भी बढ़ चढ़ करके अपनी हिस्सेदारी करेंगे और किसान आंदोलन हर हालत में जीतेगा, अंबानी अडानी हारेंगे। खबरों में बने रहने के लिए फोरम 4 को सब्सक्राइब करें और नोटिफिकेशन पाने के लिए बेल आइकन दबाएं।